यौम पाकिस्तान राह मंजिल का पहला निशान, आगाज़ दास्तान, सदर और वजीर आजम की यौम करारदाद पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद, मज़ार कायद पर गवर्नर और वजीर आला सिंध की हाजिरी, फातिहा खानी की फूल चढ़ाए, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाकिस्तान परेड मौसम की खराबी के सबब मुलतवी, इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड अब बुध के रोज सजेगा, मुल्क की तारीख के अजीम दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई, फलक शुगाफ अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज से समा बन गया, मसाजिद में मुल्की सलामती खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। पाकिस्तान डे पर बिरादर मुल्क तुर्की का तोहफा, इनकरा का लैंडमार्क टावर सब्स और सुर्ख रोशनियों से रोशन कर दिया गया, बीजिंग के पाकिस्तानी सफारतखाने में भी तकरीब, सफीर पाकिस्तान और दीगर ने परचम कुशाई की, पाकिस्तानी और गैर मुल्की मेहमान शरीक हुए। कराची से इस्लामाबाद मौसम का हर रंग जुदा, शहर इकतदार में तेज बारिश, आलाबारी की पेशगोई, खुनकी का एहसास, शहर 11 में मतला साफ, मौसम खुश, पारा 34 डिग्री का इम्कान, बढ़ते दर्जा हरारत ने मौसम गर्म की आमद का अलार्म बजा दिया। बारिशें, तेज हवाएं और झालाबारी, पंजाब के मुख्तलिफ शहर जलथल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली फराहमी मुतासर, लाहौर में 100 पीरियड स्ट्रिप कर गए, नारोवाल और करतारपुर में तीसरे रोज भी बादल बरसे, जंग में नशबी इलाके जेरे आब आ गए, आरिफ वाला, बिहाड़ी, सुल्तानपुरा, मुल्तान में भी आंधी और बारिश, छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी, बनू में बारिश से मौसम खुशगवार, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने को तैयार। ट्रांसपोर्ट सहूलत को तरसे कराची वालों के लिए उम्मीद की किरण, ग्रीन लाइन बस सर्विस को 14 अगस्त से ऑपरेशनल करने का ऐलान, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में तैयारियों का जायजा, वफाकी वजीर का प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। औरंगी टाउन कराची में पार्टी परचम लगाने का झगड़ा, सियासी गर्मा गर्मी तल कलामी झगड़े में बदल गयी, MQM पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के कारकुनान में तसादुम, मुतअद्दिद जख्मी, इलाके में कशीदगी फैल गयी, DLP लीडरशिप की जानिब से कारकुनान पर तशद्दुद की मुज़म्मत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नए एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद की मुलाकात, आर्मी चीफ की पाक फिजाइय की कमान संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुलाकात में नए दिफाई मंसूबों और अहदाफ पर भी बात हुई। मोहतरमान उस्ताद भुट्टो का 92 यौमे पैदाइश, बिलावल भुट्टो जरदारी का माधे जमहूरियत को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश, बोले नुसरत भुट्टो ने आमरियत का डटकर मुकाबला किया, जमहूरियत की लाव जवाल जद्दोजहद का तस्करा उनके बगैर अधूरा है। मस्जिदुल हराम में अल्लाह के मेहमानों के लिए खास एहतमाम, आबे जमजम से सैरियाबी आसान हो गई, इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने जमजम ट्रॉली सर्विस का इफ्तिताह कर दिया, ट्रॉली सर्विस कोरोना के खुसूसी हालात से निपटने के लिए शुरू की गई है, ट्रॉलीज में सैनिटाइजर्स भी मौजूद होंगे। आगाज़ दास्तान, सदर और वजीर आजम की यौम करारदाद पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद, मज़ार कायद पर गवर्नर और वजीर आला सिंध की हाजिरी, फातिहा खानी की फूल चढ़ाए, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाकिस्तान परेड मौसम की खराबी के सबब मुलतवी, इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड अब बुध के रोज सजेगा, मुल्क की तारीख के अजीम दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई, फलक शुगाफ अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज से समा बन गया, मसाजिद में मुल्की सलामती खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई।
पाकिस्तान डे पर बिरादर मुल्क तुर्की का तोहफा, इनकरा का लैंडमार्क टावर सब्ज और सुर्ख रोशनियों से रोशन कर दिया गया। बीजिंग के पाकिस्तानी सफारतखाने में भी तकरीब, सफीर पाकिस्तान और दीगर ने परचम कुशाई की, पाकिस्तानी और गैर मुल्की मेहमान शरीक हुए। कराची से इस्लामाबाद, मौसम का हर रंग जुदा। शहर इकतदार में तेज बारिश, आलाबारी की पेशगोई, खुनकी का एहसास। शहर 11 में मतला साफ, मौसम खुश, पारा 34 डिग्री का इम्कान। बढ़ते दर्जा हरारत ने मौसम गर्म की आमद का अलार्म बजा दिया। बारिशें, तेज हवाएं और झालाबारी, पंजाब के मुख्तलिफ शहर जल थल। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली फराहमी मुतासर। लाहौर में 100 पीरियड स्ट्रिप कर गए। नारोवाल और करतारपुर में तीसरे रोज भी बादल बरसे। जंग में नशबी इलाके जेरे आब आ गए। आरिफ वाला, बिहाड़ी, सुल्तानपुरा, मुल्तान में भी आंधी और बारिश, छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी। बनू में बारिश से मौसम खुशगवार। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने को तैयार। ट्रांसपोर्ट सहूलत को तरसे कराची वालों के लिए उम्मीद की किरण। ग्रीन लाइन बस सर्विस को 14 अगस्त से ऑपरेशनल करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी, असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में तैयारियों का जायजा। वफाकी वज़ीर का प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। औरंगी टाउन कराची में पार्टी परचम लगाने का झगड़ा, सियासी गर्मा गर्मी तल कलामी झगड़े में बदल गयी। MQM पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के कारकुनान में तसादुम, मुतअद्दिद जख्मी। इलाके में कशीदगी फैल गई। DLP लीडरशिप की जानिब से कारकुनान पर तशद्दुद की मुज़म्मत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नए एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद की मुलाकात। आर्मी चीफ की पाक फिजाइय की कमान संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में नए दिफाई मनसूबों और अहदाफ पर भी बात हुई। मोहतरमान, उस्ताद भुट्टो का 92वां यौमे पैदाइश। बिलावल भुट्टो जरदारी का माध जमहूरियत को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। बोले, नुसरत भुट्टो ने आमरियत का डटकर मुकाबला किया। जमहूरियत के लाव जवाल जद्दोजहद का तस्करा उनके बगैर अधूरा है। मस्जिदुल हराम में अल्लाह के मेहमानों के लिए खास एहतमाम। आबे जमजम से सैरयाबी आसान हो गई। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने जमजम ट्रॉली सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रॉली सर्विस कोरोना के खसूसी हालात से निमटने के लिए शुरू की गई है। ट्रॉलीज में सैनिटाइजर्स भी मौजूद होंगे।